हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड, मृदा जीवांश पदार्थ के बारे में। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास से ही अपन चर्चा कर रहे हैं मृदा जीवांश पदार्थों का, मृदा गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मृदा जीवांश पदार्थ जो होते हैं वो मृदा की उर्वरता को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स अपन ने पिछली क्लासेस के अंदर कंप्लीट किए हैं, तो आपने उनको बिल्कुल देखा होगा। और अब अपन कुछ पॉइंट्स और हैं जिनको आज यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग इसको देखने का प्रयास कीजिए और साथ के साथ आप लोग नोट भी इसको करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, जीवांश पदार्थों का मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव की बात करें तो देखो लगभग 9 प्रभाव अपन पढ़ चुके हैं। पहले 10वां प्रभाव है उभय प्रतिरोधन क्षमता। अब देखो, उभय प्रतिरोधन क्षमता का मतलब होता है कि मृदा जो होती है ना, मृदा के अंदर यदि जीवांश पदार्थ उपस्थित हैं तो ये जीवांश पदार्थ उस मृदा के पीएच को अचानक नहीं बदलने देते हैं, यानी कि उस मृदा के पीएच को स्थायी बनाए रखने का कार्य करते हैं, उस मृदा पीएच को स्थायी बनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से यदि मृदा जीवांश पदार्थ मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता में बढ़ोतरी करते हैं, यानी कि इस मृदा की पीएच को अचानक परिवर्तित नहीं होने देंगे, यानी थोड़ी बहुत मात्रा में अम्ल या क्षार की अधिकता भी वहां पर हो गई ना, तो उस अम्ल क्षार की अधिकता का आपके जो मृदा का पीएच होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है यहां पर कि जो आपके मृदा जीवांश पदार्थ हैं, ये मृदा जीवांश पदार्थ मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे मृदा पीएच अचानक परिवर्तित नहीं होता है, यानी मृदा पीएच जो होगा उसमें अचानक बहुत सारा परिवर्तन या अचानक उसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये था अपना अगला बिंदु, उभय प्रतिरोधन क्षमता। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट, पोषक तत्वों की मात्रा। तो देखो भाई, जीवांश पदार्थ जो होते हैं ये पोषक तत्वों की मात्रा को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व बनते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। भाई जीवांश पदार्थ जो होते हैं ये पोषक तत्वों का बहुत अच्छा स्रोत होता है, इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जब जीवांश पदार्थ का विच्छेदन होगा तो विच्छेदन होने से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इन सब इसके अलावा और भी बहुत सारे, चाहे वो सूक्ष्म पोषक तत्व हो चाहे वो मुख्य पोषक तत्व हो, उन सभी पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है मृदा के अंदर। और इससे जीवांश पदार्थ जो होते हैं ये पोषक तत्वों के लिए अच्छे स्रोत माने जाते हैं और पौधों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक और मृदा जीवांश पदार्थों द्वारा प्रभावित होने वाला कारक, पोषक तत्वों की मात्रा। उसके बाद अगला होता है लवणता में सुधार। देखो मृदा जीवांश पदार्थ जो होते हैं ये मृदा की लवणता में भी सुधार करते हैं। कैसे करते हैं भाई, तो देखो मृदा में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से अनेक कार्बनिक अम्ल बनते हैं। जब इन जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होगा सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, चाहे वो जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, एक्टिनोमाइसिटिस हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा के अंदर पाए जाते हैं, ये मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव जब इन मृदा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन करते हैं तो बहुत सारे कार्बनिक अम्ल यहाँ पर बनते हैं। जैसे सिट्रिक अम्ल बनता है, ब्यूटायरिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। तो सिट्रिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इन पदार्थों का निर्माण यहाँ पर होता है और इससे मृदा लवणता में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। फिर मृदा के अंदर लवणों की मात्रा बढ़ गई, अब वहां पर क्या होगा, जैसे अम्ल बनेगा तो ये अम्ल उस लवण को उदासीन करेगा और इसके कारण यहाँ पर जो है ना लवणता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उस मृदा की सुधरती जाएगी।
तो यदि आपको मृदा की लवणता में सुधार करना है, कहीं पर सेलाइन मृदा पाई जा रही है, कहीं पर लवणीय मृदा पाई जा रही है, तो वहां पर सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप वहां पर जीवांश पदार्थ डाल दें। ठीक है, इसके बाद अगला कारक है पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। अब देखो भाई, मैंने आप लोगों को ये तो बता ही दिया है कि जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से बहुत सारे पोषक तत्व मुक्त होते हैं, बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्व यहाँ पर मुक्त होते हैं जो पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसके अलावा ये जो जीवांश पदार्थ है ना, ये पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? तो देखो, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से कार्बनिक अम्ल बनते हैं, ये तो अपन ने पढ़ लिया है। जो मृदा में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्वों को उपलब्ध रूप में परिवर्तित कर देते हैं। देखो क्या होता है, मृदा के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो डायरेक्ट जो मृदा जल होता है, मृदा विलयन होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं और वहां से पौधे उसको डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं। परंतु कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो मृदा में पाए तो जाते हैं परंतु वो अनुपलब्ध रूप से पाए जाते हैं, यानी कि वो अनुपलब्ध रूप से पाए जाते हैं। अब उनको उपलब्ध रूप में बदलने का काम कौन करता है? वो करता है आपका ये कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो जीवांश पदार्थ है इनके विच्छेदन से बहुत सारे कार्बनिक अम्ल बनेंगे और ये कार्बनिक अम्ल मृदा में पाए जाने वाले जो अनुपलब्ध पोषक तत्व होते हैं उन्हें उपलब्ध रूप में बदल देते हैं, यानी कि जो अविलेय रूप में पोषक तत्व है उन्हें विलेय रूप में बदल देंगे और इससे क्या होगा, इससे वो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो ये अविलेय एल्यूमिनियम व आयरन के जो फास्फेट होते हैं, अविलेय एल्यूमिनियम व आयरन के जो फास्फेट होते हैं उनको ये विलेय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा है कि अविलेय रूप से विलेय रूप में बदल देते हैं, अनुपलब्ध पोषक तत्वों को उपलब्ध पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है यहाँ पर, इस प्रक्रिया के द्वारा पोषक तत्वों की उपलब्धता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट बात करें जैविक प्रभाव के बारे में, तो देखो जैविक प्रभाव के बारे में बात करें तो जीवांश पदार्थ जो होते हैं आपको पता होना चाहिए भाई, मृदा के अंदर हानिकारक जीवाणुओं के साथ ही बहुत सारे लाभदायक जीवाणु भी पाए जाते हैं, ये अपन अच्छे से जानते हैं। अब हानिकारक जीवाणु भी हैं, लाभदायक जीवाणु भी हैं। अपने लिए उपयोगी तो कौन है? लाभदायक जीवाणु। और देखो जैसे ही आप लोग मृदा जीवांश पदार्थ डालते हैं ना मृदा के अंदर, तो जो भी लाभदायक जीवाणु अपने लिए हैं उन जीवाणुओं को भोजन उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि भाई उन जीवाणुओं का जो भोजन है ना वो होते हैं कार्बनिक पदार्थ, यानी कि जीवांश पदार्थ होते हैं। तो जैसे ही आपने जीवांश पदार्थ मिलाए तो जीवांश पदार्थ मृदा के अंदर उपस्थित जीवाणुओं का भोजन होता है। जब उनको भोजन मिलेगा तो उनकी क्रियाशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। और क्रियाशीलता जब उनकी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? इससे वो ज्यादा मात्रा में क्रिया करके जीवांश पदार्थों का विच्छेदन आसानी से करेंगे। और जब जीवांश पदार्थों का विच्छेदन आसानी से हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में आपके जो पोषक तत्व हैं वो मृदा के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो पाते हैं। और जब पोषक तत्व अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो उस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि मृदा की जैविक दशा में सुधार हो जाएगा, पौधों को आसानी से पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के दौरान अमोनीकरण है, नाइट्रीकरण है, विनाइट्रीकरण है, इस प्रकार की क्रियाएं भी होती है। यानी कि जीवांश पदार्थों का जब विच्छेदन होता है तो नाइट्रीकरण भी होता है, विनाइट्रीकरण भी होता है, इसके अलावा अमोनीकरण भी होता है। इस प्रकार की बहुत सारी लाभप्रद जो क्रियाएं होती है ना, ये क्रियाएं संपन्न होती है। और इसके अलावा बात करें अपन तो ये जो जीवांश पदार्थ हैं ये केंचुओं, चींटियों, दीमक, इन सभी का भी क्या होते हैं? भोजन होते हैं। अब देखो जब केंचुए हैं, चींटियां हैं, दीमक हैं,
इनको भोजन के रूप में ये जीवांश पदार्थ प्राप्त हो गए हैं तो इनकी भी क्रियाशीलता बढ़ती है और ये जंतु क्या करेंगे, ये मृदा को खोदकर रंध्र युक्त बना देते हैं, उसके अंदर छेद कर देते हैं और जब मृदा के अंदर छेद हो चुका है, बहुत सारे छिद्र बन चुके हैं, तो वहां पर वायु संचार में भी वृद्धि होगी और जल निकास में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जैविक दशा को भी सुधारने का कार्य करते हैं, कौन, आपके मृदा जीवांश पदार्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने क्या देखा आज कि जीवांश पदार्थों का मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव की बात करें तो इसमें ये उभय प्रतिरोधन क्षमता को प्रभावित करते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करते हैं, लवणता में सुधार करते हैं, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि करते हैं और जैविक प्रभाव इनका देखने को मिलता है। अब इसी जैविक प्रभाव के अंदर कुछ पॉइंट्स और हैं तो इनको भी अपन यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से आप लोग उसको देखने का प्रयास यहाँ पर करें, साथ के साथ आपको इस चीज को नोट भी करते रहना है प्यारे विद्यार्थियों, ताकि नोट करने से आपको क्या है एक आगे भी कभी पढ़ने के लिए अपन को सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो पाए, इसीलिए साथ के साथ आपको नोट करते रहना है और इससे संबंधित कहीं पर भी कोई भी डाउट आदि आपको है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि अपन बहुत अच्छे से बहुत धीरे धीरे इस चीज़ को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से कंप्लीट करने का आप लोग इसको अच्छे से प्रयास करें। अब बात करेंगे अपन कि सर और कौन कौन से जैविक प्रभाव हैं जो इन मृदा जीवांश पदार्थों के द्वारा प्रभावित होते हैं या देखने को मिलते हैं, उन प्रभावों के बारे में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बात करें तो मृदा में उपस्थित जीवाणुओं के लिए जीवांश पदार्थ भोजन का कार्य करते हैं, उनके ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया है, इससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी और मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है। ठीक है, तो इसी के बाद अपन एक लाइन यहाँ पर और लिख लेते हैं कि जीवांश पदार्थ मृदा में उपस्थित जीवाणुओं के लिए भोजन का कार्य करते हैं जिससे उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है, उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। अब क्रियाशीलता बढ़ेगी तो इससे होगा क्या वास्तव में, तो देखो भाई इससे मृदा उर्वरता में भी बढ़ोतरी होती है, फलस्वरूप मृदा उर्वरता में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि भाई जब ये क्रियाशीलता इनकी बढ़ेगी तो ये ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे, पोषक तत्वों को या फिर जीवांश पदार्थों को अपघटित करेंगे और जब जीवांश पदार्थों को बहुत ज्यादा मात्रा में ये अपघटित कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपके मृदा के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ेगी और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ने का मतलब होता है कि उर्वरता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करेंगे अपन यहां पर कि लास्ट प्रभाव के बारे में, यानी पोषक तत्व मुख्यतः लास्ट रूप से किस को प्रभावित करेंगे, तो वो होते हैं आपके पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। देखो जीवांश पदार्थ जो होते हैं ये पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, पौधों की वृद्धि पर प्रभाव किस प्रकार से प्रभावित करते हैं इसके बारे में चर्चा करें तो देखो ह्यूमस में वृद्धि कारक हार्मोन होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपको पता है जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से
विभिन्न प्रकार का जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से वैसे तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं, परंतु मुख्य पदार्थ बनता है ह्यूमस, और ह्यूमस के अंदर विभिन्न प्रकार के वृद्धि कारक हार्मोन होते हैं, और ये वृद्धि कारक हार्मोन करते क्या हैं, तो ये पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। ठीक है भाई, तो ह्यूमस में वृद्धि कारक हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इसके अलावा बात करें अपन इंडोल प्रोपियोनिक एसिड पाए जाते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से पौधों की वृद्धि के लिए ये जिम्मेदार होते हैं भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी तक अपन ने ये जितने भी पदार्थ यहाँ पर जितने भी अपन ने यहाँ पर प्रभाव पड़े हैं, ये सभी प्रभाव जीवांश पदार्थों द्वारा मृदा के गुणों को एवं उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक ये थे। अब यहाँ तक अपन ने बात कंप्लीट कर ली है कि भाई मृदा जीवांश पदार्थ मृदा के अंदर किन किन कारकों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। कुल 15 कारक अपन ने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। ठीक है, परंतु देखो क्या होता है, कभी कभी है ना मृदा जीवांश पदार्थों के कुछ हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं भाई। ये तो सारे क्या हो गए, लाभदायक प्रभाव हो गए अभी तक जितने भी अपन ने पढ़े, परंतु कभी कभी जो है मृदा जीवांश पदार्थों के कुछ हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। वैसे ज्यादातर इनके प्रभाव लाभदायक ही होते हैं, परंतु देखो कुछ हानिकारक प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बोलते हैं ना अपन इस चीज को कि भाई किसी चीज का लाभ है तो उसकी हानि भी होती है। ठीक है ना, तो बस वही चीज होती है कि यहाँ पर इसके लाभ बहुत ज्यादा हैं, हानियां भी होती है परंतु वो बहुत कम है। अब कौन कौन सी हानि है इसकी, ये कौन कौन से हानिकारक प्रभाव डालते हैं मृदा के अंदर, उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए, हाँ भाई, तो टॉपिक है अपना, क्या टॉपिक है अपना, जीवांश पदार्थ के मृदा में कुछ हानिकारक प्रभाव। ठीक है भाई, अब कौन कौन से हानिकारक प्रभाव होते हैं भाई, देखो सबसे पहला प्रभाव होता है जीवांश पदार्थ रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आपकी मृदा के अंदर लाभदायक जीवाणु भी होते हैं, हानिकारक जीवाणु यानी रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु भी होते हैं। जैसे आपने मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ को मिलाया तो वो जीवांश पदार्थ लाभदायक जीवाणुओं को तो भोजन प्रदान करते ही है, उसके साथ ही रोग उत्पन्न करने वाले या हानिकारक जीवाणुओं को भी भोजन प्रदान करते हैं। जब उनको भोजन प्रदान किया जाएगा तो वो सक्रिय हो जाएंगे, और सक्रिय होकर वो अपनी फसल के अंदर क्या करेंगे, रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये हानिकारक जीवाणुओं को भी क्या करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे वो मृदा में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ठीक है, तो जीवांश पदार्थ
रोग उत्पन्न करने वाले जीवों, रोग उत्पन्न करने वाले जीवों, रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की ऊर्जा एवं भोजन के भी स्रोत होते हैं, स्रोत होते हैं जिससे वे लंबे समय तक मृदा में बने रहते हैं। अब जब लंबे समय तक मृदा में रहेंगे तो पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करेंगे, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये पहला हानिकारक प्रभाव तो देखने को यहाँ पर मिला। दूसरा होता है कि मृदा में अत्यधिक जीवांश पदार्थ मिश्रण की समस्या उत्पन्न करते हैं जिससे पौधा रोपण में समस्या होती है। भाई देखो, जीवांश पदार्थ जो होते हैं यदि आप सीमित मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाभदायक ही होता है अधिकांशतः, परंतु बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दिया तो उस कंडीशन में भी ये जीवांश पदार्थ पौध रोपण में समस्या उत्पन्न कर देंगे क्योंकि ये मिश्रण में समस्या पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, मृदा में अत्यधिक जीवांश पदार्थ मिश्रण की समस्या उत्पन्न करते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं जिससे पौधारोपण में समस्या होती है, ठीक है भाई। तो पौधारोपण में क्या होगी, यहां से समस्या हो जाएगी यदि आप ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व, ज्यादा मात्रा में जीवांश पदार्थ मिला रहे हैं तो। उसके बाद तीसरा प्रभाव अपन बात करें तो विभिन्न जीवांश पदार्थ मृदा में विच्छेदन के दौरान फाइटोटॉक्सिन्स का निर्माण करते हैं जो पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। यानी कि कुछ जीवांश पदार्थ ऐसे होते हैं जो फाइटोटॉक्सिन्स उत्पन्न करेंगे, जहरीले पदार्थ उत्पन्न करेंगे जो पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, उनकी वृद्धि को कम कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान रखेंगे विभिन्न जीवांश पदार्थ मृदा में विच्छेदन के दौरान फाइटोटॉक्सिन्स उत्पन्न करते हैं जो पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से मृदा जीवांश पदार्थों के लाभ का दायक प्रभाव भी अपन ने पढ़ लिए मृदा के ऊपर और हानिकारक प्रभाव भी अपन ने पढ़ लिए हैं। तो इसी के साथ अपना मृदा जीवांश पदार्थों से संबंधित ये प्रभाव वाला टॉपिक जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात बिल्कुल समझ में यहाँ पर आ गई होगी। यदि आपको ये बात समझ में आती है तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको ये बात समझ में आई है अथवा नहीं आई है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।